देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत नगरी की एक ऐसी जगह है जहां पर भूत प्रेत का होना लाजमी है। कुछ लोग उस जगह को भूत बाधित मानते हैं और उनका मानना है कि जो एक बार वहां पर चला जाता है तो उसके बाद उसका वापस लौट कर आना असंभव हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी एक नवीन जोड़े से, तो मैं आपको आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है और ये कहानी तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी के एंजॉयमेंट के लिए मैं अपनी बीबी राधिका के साथ भारतनगर नाम की एक जगह पर गया हुआ था। ये जगह उत्तराखंड के दक्षिण दिशा में पड़ती है, जो दिखने में काफी सुंदर है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। वैसे तो मैं एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन इतनी सी कम उम्र के अंदर जो मैंने हासिल कर लिया था उससे काफ़ी लोग जलते भी थे और कुछ लोग मेरी तारीफ भी करते थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं बल्कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किए गए पापों की सज़ा मिलने वाली थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने एक होटल में रुकने का प्लान बनाया था और इन दोनों ठंड का माहौल चल रहा था, ऊपर से हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो रही थी। तो ऐसे मौसम में मैं अपनी बीवी के साथ एंजॉय करने का सुकून ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने होटल का एक कमरा बुक करवा लिया। कमरा बुक करवाने के बाद मैं अपनी बीवी राधिका के साथ कमरे में चला गया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और हम दोनों कल के दिन भी यहीं पर रुकने वाले थे। अभी हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए फिल्मी देख रहे थे कि तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि हमारे सामने कोई वेटर खड़ा है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटाया था, लेकिन उसके बाद उसने कहा, सर, मैनेजर ने आपको नीचे बुलाया है, आप जल्दी से उनके पास पहुंच जाइए। ये सुनते मैं हैरान हो गया। उसके बाद मैं तुरंत ही अपनी बीबी राधिका को लेकर नीचे चला गया। जैसे मैं नीचे गया तो मुझे पता चला कि वहाँ भूकंप का संकेत मिला है, इसलिए हमें होटल से दूर जाना होगा। धीरे धीरे होटल के काफ़ी सारे लोग उसके अंदर से बाहर निकल गए। सभी लोगों को इस तरह से बाहर निकलते हुए देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भूकंप इस तरीके से कौन सी तबाही मचाने वाला था। फिर थोड़ी देर के बाद उस होटल के अंदर एक बहुत जोर का धमाका हुआ। ये धमाका इतनी जोर का था कि वहाँ की सारी चीज़ें एक तरफ उड़ने लगी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा पूरा का शरीर तन गया। पहले तो मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई भूकंप आने वाला है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर बम रखा हुआ था तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपनी बीवी को लेकर तुरंत ही उस होटल के करीब से निकल गया। दोस्तों, इस धमाके ने मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा डर कर दिया था। मैं समझ गया था कि भारतनगर की इस जगह में हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, कहीं भी हमें कोई भी किडनैप कर सकता था। इससे अच्छा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अभी हमारी गाड़ी उस सुनसान और खामोश पड़ी सड़क के ऊपर दौड़ी रही थी कि अचानक से मुझे अपने सामने की दिशा में एक रोशनी चमकती हुई नजर आने लगी। ये रोशनी देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ पर किसी गाड़ी की हेडलाइट चमक रही हो। मेरा पाँव सीधा ब्रेक के ऊपर चला गया और उसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। जैसे ही मैंने गाड़ी के बाहर देखा तो मैंने पाया कि कुछ 6 से 7 लोग हमारी गाड़ी के आसपास घूम रहे थे। मैंने उसी गाड़ी के शीशे को बंद कर दिया था और फिर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। इस बार मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर इतनी ज़ोर से दबाया था कि सामने की तरफ खड़े हुए आदमी एक बार के लिए मुझे देखने लगे। फिर मैंने गाड़ी का फर्स्ट गियर डाल दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी पहले गियर के अंदर तेज रफ्तार से भागने लगी थी और फिर उसके बाद उसने वहाँ पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले उस गाड़ी को टक्कर मार दी जो मेरे सामने खड़ी थी। अब मेरा गाड़ी भी 4x4 थी, तो ऐसे में उसके ऊपर इतनी जल्दी टूट फूट होना मुमकिन ही नहीं था। इसी बीच मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो रहा था कि इस वक्त मेरी बीबी राधिका में क्या बीत रही होगी। वो डर के मारे अपने हाथ अपनी आंखों पर देकर बैठ गई। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी और फिर अचानक ही सब कुछ एक बार के लिए खामोश हो गया। मेरी गाड़ी की सारी लाइट बंद हो गई थी और अचानक से जैसे वहां पर किसी सन्नाटे की चादर ने अपना प्रकोप डाल दिया था, सारी चीजें एक मिनट के अंदर ही पूरी तरह से खामोश हो गई। गाड़ी की लाइट इस तरह से अचानक से बंद देखकर
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे अब मेरी बीवी राधिका भी दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था जैसे कि मैं किसी बहुत ही ज़्यादा अंधेरी जगह में आ गया हूँ। इसी बीच मुझे अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ के सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही गाड़ी के दरवाजे को लात मारी और नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाईं तरफ से किसी ने मुझे पकड़ लिया था। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मुझे उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। मैं समझ गया था कि मेरी बीवी राधिका तो नहीं हो सकती, इसलिए मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हाथ छुड़वाना तो दूर की बात है, मैं अपने हाथ को हिला तक नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी बेहद ही ताकतवर आदमी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया हो और वो छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था। मैं थोड़ा घबराहट महसूस कर पा रहा था, लेकिन जब मुझे ये लगा कि मेरी बीवी खतरे में है तो फिर मैं नहीं रुका और किसी तरह अपने हाथ को छुड़वा दिया और फिर मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। जैसे मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी राधिका सड़क के बीच में घिरी हुई थी और उसकी तरफ एक गाड़ी बढ़ रही थी। वो गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी और अगर मैं टाइम रहते उसके पास नहीं पहुंचता तो शायद वो उसे कुचल सकती थी, इसलिए मैं जल्दी से भागा और उसके पास जाने लगा। लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार के सामने ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और वो उसे कुचल देगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसे पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया। किस्मत ने भी तगड़ा साथ दिया और मेरी पत्नी की जान बच गई, लेकिन वो गाड़ी इतनी स्पीड से गुजरी थी कि उसकी हवा की वजह से मैं दो कदम पीछे खिसक गया। सच में ये नज़ारा बेहद ही भयानक था। अब मैं और मेरी बीवी राधिका हम दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और इसी बीच मुझे लगातार हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये हंसने की आवाज़ मेरे पीछे की तरफ से आ रही थी। जैसे मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि एक 10 फुट का बेहद ही लंबा सा आदमी मेरे सामने खड़ा था। 10 फुट का मतलब होता है कि कोई राक्षस या फिर कोई अजीबोगरीब शक्ति, जिसे देखते मैं पूरी तरह से डर गया था। मैं जानता था कि ये मुझे भागने पर भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए मैं उसकी तरफ भागने की बजाय सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। लेकिन गाड़ी तो अभी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधिका भी अब भगवान का नाम लेने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की शक्ति आज समाप्त हो गई थी। वो भी हमारी किसी भी हालत में मदद निकलना चाहते थे। काफ़ी देर तक कोशिश भी की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और अजीब सा भी महसूस हो रहा था। मुझे अब राधिका की चिंता होने लगी कि आखिर इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बाद उसे पकड़कर बैठ गया। मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया था। मैं जानता था कि अगर हमें सही सलामत बचना है तो फिर हमें एक सही प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर चुपचाप से बैठ गया। अब जो होना था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, बस मेरी बीवी के ऊपर इस चीज़ का कोई फर्क ना पड़े। हम दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह खामोश बैठे रहे और फिर उसके बाद मैंने उसे अपने से अलग कर दिया और गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने लगा। इस बार शायद मेरी किस्मत चमक गई थी क्योंकि गाड़ी पहली बार में ही स्टार्ट हो गई। फिर मैंने गाड़ी की रेस पर अपना पैर रख दिया और फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे कोई अड्डा नहीं मिल जाता। फिर लगातार गाड़ी को सुनसान रोड पर रफ्तार से भगाने के बाद मुझे रोड के बगल में एक ढाबा दिखा। देखने में वो ढाबा काफ़ी शानदार लग रहा था। मुझे लगा कि गाड़ी को यहीं पर रोक लेना चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानता था कि यह भारत नगर का इलाका है और यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी भी तरह की हो सकती है, इसलिए मैंने गाड़ी को उस जगह पर रोकना सही नहीं समझा। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया है और फिर थोड़ी देर के बाद हम विशाखा नगर के लिए पहुंच जाएंगे। वहीं से थोड़ी दूर आगे यही एक गांव पड़ता था जो कि काफ़ी अच्छा गांव माना जाता है। लोगों का कहना था कि इस गांव के अंदर भगवानों की पूजा होती है और यहां पर एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी था। ये जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी को और भी तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया। चलते चलते अचानक ही मेरी नज़र मेरी गाड़ी के सामने वाले कांच के अंदर चली गई और जैसे मैंने सामने वाले कांच के अंदर तक देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वो 6 से 7 लोग बहुत ही स्पीड के साथ अभी भी हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे। अचानक उन सभी को अपनी गाड़ी के पीछे देखकर मैं फिर से घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि
कि आखिर ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे थे। फिर इसी के चलते मैंने कार की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, पर इस बार मैं बिना परवाह किए आगे की ओर बढ़ता रहा। मैं बस गाड़ी को स्पीड में भगाता जा रहा था। दोस्तों कहते हैं जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि गड्ढा किस तरफ है और उसे किस तरफ जाना चाहिए। मैंने अपनी कार की स्पीड को बढ़ा तो दिया था, लेकिन उसे अब फिर से कंट्रोल कर पाना मुझे नामुमकिन सा लगने लगा था। ना जाने क्यों, लेकिन मेरी गाड़ी की रफ्तार को अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी गाड़ी के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने ब्रेक भी दबाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तभी मुझे सामने की तरफ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आने लगा। बरगद के पेड़ को देखकर अब मैं और भी ज्यादा घबरा गया। तभी मैंने सोचा कि मैं पहले ही गाड़ी को नहीं रोक सकता, लेकिन गाड़ी की स्पीड को तो कम कर सकता हूँ। इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए गियर निकाल दिए और उसके बाद हैंड ब्रेक पर अपना हाथ थाम लिया। फिर अब जैसे वो बरगद का पेड़ आने वाला था तो अचानक से मैंने हैंड ब्रेक घुमाया और गाड़ी एक जगह पर स्थिर हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी ने एक बार एक गोल चक्री लगाई और उसके बाद गाड़ी एकदम से पलट गई। दोस्तों उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं और राधिका हम दोनों हॉस्पिटल के एक बेड पर थे। अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर मैं समझ गया था कि हमारे साथ क्या हुआ है, और साथ ही हमारे घर वाले भी हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद थे। जब उन्होंने हमारी हालत देखी तो उन्हें भी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें सारी बात बता दी और उन सभी को खुशी थी कि हम दोनों सही सलामत हैं, वरना एक शादी का नया जोड़ा टूटकर बिखर सकता था। अब मेरी और राधिका की जान तो बच गई थी, लेकिन उस दिन से हम दोनों के जहन में ये बात बैठ गई थी कि हमें कभी भी बिना कुछ सोचे समझे किसी भी रास्ते पर रात को सफर नहीं करना चाहिए। ना जाने उस रास्ते की कौन सी सच्चाई हमारे सामने आ जाए। फिर जब हमने उन 6-7 लोगों के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। बस उन सबका कहना है कि भारत नगर की वो सड़क बहुत ही ज़्यादा भूतिया मानी जाती है और रात होने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान उस सड़क के ऊपर सफ़र नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।